देखिए हमारे पास एक्सेल कुछ भी अगर हम जी चेंज करते हैं तो एमएस वर्ड के फाइल में ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे यहाँ पे शैलेश लिखा हुआ, यहाँ पे हम लिख देते हैं राजीव। राजीव लिखिए और एंटर बटन को हिट करते हैं, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारे वर्ड वाले फाइल में भी चेंज हो गया राजीव। यहाँ पे अगर मार्क्स की हम बात करें करते हैं ऑटोमेटिक एडिटिंग हो जाता है एमएस वर्ड में भी। तो इसको सीखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं, एमएस वर्ड के फाइल वाले को डिलीट कर लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेल का डेटा है इसको हमको एमएस वर्ड में ले जाना है, तो यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको राइट बटन को क्लिक करके कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सीरियल नंबर मेरा गड़बड़ चल रहा है, तो सीरियल नंबर को मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे इस सेल रेंज को सेलेक्ट करके इसको कर लेते हैं कॉपी। तो ये तो कॉपी करना तो आपका आता ही होगा, ये हमारा कॉपी हो गया। अब हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ पेस्ट, पेस्ट को क्लिक कर लेते हैं। तो पेस्ट को क्लिक नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, पेस्ट को बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक करना है पेस्ट के नीचे में और यहाँ आ जाना है पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल को जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेस्ट स्पेशल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन चूंकि एक्सेल के फाइल को हमको यहाँ पे लिंक करना है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन को क्लिक कर लेते हैं। अब आप देखिए हमने जो एक्सेल में कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। इसका थोड़ा साइज छोटा करके आपको हम दिखाते हैं, एक साथ दोनों को हम स्क्रीन पे ले लेते हैं, वर्ड को भी और एक्सेल को भी। ये हमारा वर्ड भी आ गया, ये हमारा एक्सेल भी आ गया। अब आप देख सकते हैं इस वाले फाइल में यहाँ पे राजीव लिखा हुआ है और ये वर्ड वाले फाइल में भी राजीव लिखा हुआ है, मार्क्स है 90 और 180। यहाँ पे भी राजीव 90 और 180 लिखा हुआ है। तो इस राजीव की जगह पे हम नाम चेंज करते हैं, चेंज करके कर देते हैं शैलेश। शैलेश और इंटर बटन को हिट करते हैं, आप देख सकते हैं जैसे शैलेश लिखे हम यहाँ पे इंटर को हिट किए, यहाँ पे भी शैलेश आ गया। और इतना नहीं, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 90, इसको हम कर देते हैं 95। और अभी आप देख सकते हैं वर्ड वाले फाइल में यहाँ पे 90 दिख रहा है शैलेश में और यहाँ पे हम 95 लिख दिए हैं। अब इंटर को हिट करते हैं, जैसे इंटर को हिट किए आप देख सकते हैं एमएस वर्ड वाले फाइल में भी 95 आ गया। तो इस तरह का वीडियो जानने के लिए, और वर्ड में और एक्सेल में अगर मास्टरी बनना है या कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत कुछ यहाँ पे मैं नया नया चीज बताने वाला हूँ। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, एक्सेल का बेसिक, एक्सेल टू एडवांस एक्सेल का हमारा वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको इस बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेल बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में।